दोस्तों आज हम दुनिया के ऐसे पांच शानदार घरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच बनाए गए हैं। दोस्तों अगर आप भी खूबसूरती और एडवेंचर से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन जगहों पर लोग दूर दूर से विजिट करते हैं। ये वीडियो एकदम सरप्राइज से भरा हुआ है जिसे देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। फ्लोटिंग हाउस, पानी के ऊपर घर बनाने का ये आइडिया बोट से लिया गया है। दुबई के इस घर की तो बात ही निराली है। ये घर किसी सपने से कम नहीं है। 3 मंजिल का ये घर बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर वाले घर से आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। बीच वाले रूम में किचन और बाथरूम है और उसके ऊपर वाले हिस्से में बेडरूम बनाया गया है। इसकी दीवारें शीशे से बनाई गई हैं ताकि समुद्र में घूम रहे खतरनाक जीवों के नज़ारे ले सकें। ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। द वाटर डिस्कस होटल, जो भी इस होटल में जाता है उसे यही लगता है कि हम फ्यूचर में आ गए हैं या फिर हम किसी खूबसूरत दुनिया में हैं। इस होटल में कुल 21 कमरे हैं। इस होटल के नीचे वाले पार्ट में बेडरूम, रेस्टोरेंट, मौज मस्ती के लिए डिस्को और सिनेमा हॉल भी बनाया गया है। यहाँ बहुत सी सुविधाएं और ऊपर वाले पार्ट में फुटबॉल ग्राउंड है जिसका मजा आप बेडरूम से ले सकते हैं। अंडर वाटर रेस्टोरेंट, अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं और आप ऐसी जगह जाके खाना खाना पसंद करेंगे जहाँ पे आप समुद्री जीवों को देख के खाना खाना चाहेंगे। ये दुनिया का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट है जिसमें आप मछलियों को देखते हुए खाने का मजा ले सकते हैं। फ्यूचर हाउस, आइए अब हम फ्यूचर की बात बताते हैं। पानी में तैरती हुई इस कॉलोनी को US गवर्नमेंट बना रही है। इसके अंदर ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जिससे ये पानी में तैर सके। ये अंदर से बहुत बड़ा होगा और इसमें सारा काम टेक्नोलॉजी से होगा। यहाँ तक कि इसमें पेड़ पौधे से लेकर पशु भी पाले जाएंगे और लोगों से ज्यादा इसमें रोबोट काम करेंगे। द क्यूब होटल, ये होटल US में बनाया गया है जिसमें पानी के अंदर सारे रूम बनाए गए हैं। इस होटल का मजा उठाने के लिए 1,050 लाख लोग वेटिंग में चल रहे हैं। मतलब अगर आप आज इसे बुक कराते हैं तो आपको इसका मजा उठाने के लिए 5 साल वेट करना होगा। यह एक टापू के ऊपर बनाया गया है जहां आप एडवेंचर्स का मजा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन होटल्स में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? और आपको इन 5 होटल में से कौन सा होटल सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप उस होटल का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और भी अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।